हेलो गाइस, वेलकम टू समीर वेकेशन। आप देख सकते हो मेरे साथ है टाटा टियागो ICNG। हम अभी कहीं से आ रहे थे, हमने सोचा एक वीडियो हो जाए जिसमें हम आपको ये बता देते हैं कि टाटा टियागो ICNG की जो सीट्स हैं वो 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो? फैमिली के साथ। फैमिली मेरे साथ है आज, तो एक एक करके सबसे ग्रीट करवाता हूँ, मिलवाता हूँ और ये पूछ लेंगे जल्दी से कि उनको सीट कंफर्टेबल लग रही है कि नहीं लग रही है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पैसेंजर जो ड्राइवर के साथ बैठता है उसके साथ। तो ये रूही हैं, ये हमारी सिस्टर हैं। ये 5 फुट 3-4 इंच के अराउंड इनकी हाइट होगी और देख सकते हो आप किस तरीके से बैठी है रूही। रूही, तेरे को सीट कंफर्टेबल लग रही है? नहीं लग रही है, बहुत कंफर्टेबल। ये कुछ इसका परफेक्ट लेग रूम और हेड रूम बन जाता है। आप देख सकते हो कि ऊपर भी इसके काफ़ी जगह है और पैरों के पास भी डिसेंट जगह है। डिसेंट क्या, अच्छी खासी जगह है। अब पीछे पापा एंड मम्मी बैठे हैं एंड बड़ी वाली सिस्टर बैठी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोग 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये 5 सीटर कार है, हालांकि रिकमेंडेबल ये होता है, रिकमेंडेबल क्या, सीट इस हिसाब से बनाई जाती है कि बीच में एक बच्चा बैठे और 2 फुल साइज एडल्ट बैठ सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा ये हेल्दी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है। एक जो कहते हैं ना कि मिडिल वाला कैटेगरी जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी का, वो वाला रहने वाला है। पापा की हाइट आप सबको पता है, हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ मैं। पापा 5 फुट 2 इंच के अराउंड के हैं। आप देख सकते हो कितना स्पेस इनके पास है। बहन तुम्हें ठीक ठाक स्पेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब मैं बताता हूँ, अब ये लोग प्रोफेशनल नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए मैं आऊँ। अब आप देख सकते हो बीच में ट्रांसमिशन टनल है, इसको ट्रांसमिशन टनल बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बीच वाला बंदा है वो पैर अपने थोड़े इधर उधर हिलाता रहेगा, या तो ऐसे स्विंग कर लेगा, बीच में स्पेस रहेगी, या तो एक ऊपर रखेगा एक नीचे रखेगा। तो अगर ये फ्लैट रहता या हल्का सा कम रहता तो ज़्यादा ठीक हो जाता। और एक और ज़्यादा हाइट वालों को प्रॉब्लम होगी। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करूँगा, थोड़ा थोड़ा आगे होइए आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेडरेस्ट है, ये फिक्स्ड है। अब ये लोग छोटी छोटी हाइट के हैं, इनके सर इस पर टिक जा रहे हैं, हालांकि बीच वालों को इन्होंने फिक्स्ड हेडरेस्ट भी नहीं दिया है। तो तुम मुंडी पीछे करो, देखो, या तो आप ऐसे करोगे या तो आप इस पर सर टिका लोगे। लेकिन जो मम्मी वाला हेडरेस्ट है, आप देख सकते हो मम्मी सर रखेंगे तो वो भी आ रही है, लेकिन अगर आप 1-2 इंच भी ऊपर होते तो सर आपका झूलता रहता। तो ये फिक्स हेडरेस्ट की जगह एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना चाहिए था। हालांकि टियागो का जो नॉन CNG वेरियंट है उसके टॉप वेरियंट में, लेकिन इस वाले में लोगों ने, और कोई बीच में आर्मरेस्ट जैसी भी चीज़ें नहीं आती हैं। वेल, डोर पे आप देखोगे तो एक बॉटल होल्डर है और थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन इन सब चीज़ों से किसी को कोई शिकायत नहीं है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि कैसा क्या है। सबका हेड रूम भी देख लो और सबका लेग रूम, नी रूम भी देख लो। यहाँ पे कोई मैगजीन होल्डर भी नहीं है, इवन पीछे सिर्फ एक ही स्पेस मिलती है, या तो आप अपनी बॉटल रख लो, और इवन फ़ोन भी चार्ज करना है तो आगे एक 12 वोल्ट का सॉकेट और USB मिलता है, या तो आप फिर यहाँ पे लगवा लो अलग से, इन्होंने वो दे रखा है बट आता नहीं है। बाकी USB का कोई ऑप्शन है नहीं। तो पीछे की तो ये वाली चीज़ें हो गई, बाकी बातें रिव्यू में करेंगे। ये तो अभी मैंने ऑन द गो टेस्ट कर लिया।